तो मुझे क्या अपनी डिग्री के साथ साथ जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको भी टेस्ट करवाना होगा, क्या ये जरूरी है? देखा, आपको जो जॉब मिलती है वो आपकी जो लास्ट डिग्री उसी की बेस पे मिलती है ना, तो वो आपकी लास्ट डिग्री है उसी की ऑथेंटिसिटी को वो चेक करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार, मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ना इस चैनल पर आज तक, मैं अगर कहूँ तो रोज़ाना ही मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। आज भी व्हाट्सएप पे एक दो दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यासिर भाई, हमें ये बताएं कि हमने एमए किया हुआ है, तो क्या हमें बेचलर्स की जो डिग्री है वो और साथ इंटर और मैट्रिक की डिग्री वो भी अटेस्ट करवानी होगी? इससे मिलता जुलता एक और सवाल भी पूछा जाता है कि मुझे सिर्फ अपनी जो ओरिजिनल डिग्री है वही अटेस्ट करवानी है, या उसके साथ जो मुझे उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भी अटेस्ट करवानी पड़ेंगी? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने सोचा क्यों ना यार, आज इन सब सवालों का जो आंसर है एक ही वीडियो में डिटेल से मैं आपको उसके वाले से गाइड कर दूं। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए भैया, सिंपल सा रूल आपको बताता हूँ। भैया, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आप जिस भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड हो, ठीक है, अपनी डिग्री अटेस्ट करवा के हमें भेजें। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो आपकी फाइनल डिग्री है, जो आपकी लास्ट डिग्री है, मोस्ट रिसेंट जो आपकी आखिरी डिग्री है वो अटेस्टेड हो। कहाँ से? HEC से, MUFAS से और UAE एम्बेसी से, ठीक है, इसका सिंपली ये मतलब होता है। और लेट्स सपोज आपकी जो फाइनल डिग्री है वो एमए की है, ठीक है, आपने एमए किया हुआ है, तो अब आपने एमए की जो ओरिजिनल डिग्री है सिंपली वो ही अटेस्ट करवानी है। आपको बीए या बीकॉम या फिर इंटर या मैट्रिक की जो डिग्री है उसको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो आपकी आखिरी डिग्री है ना वो करवानी है। अगर आपकी आखिरी डिग्री एमबीए की है तो आपने वो टेस्ट करवानी है। अगर आपकी आखिरी जो डिग्री आपके पास है वो बीकॉम की है या बीए या बीएससी की है तो आपने वो टेस्ट करवानी है, आपने फिर मैट्रिक और इंटर की डिग्री टेस्ट नहीं करवानी। अगर आपके पास आखिरी डिग्री जो है वो मैट्रिक की है तो आपने सिर्फ मैट्रिक की डिग्री ही अटेस्ट करवानी है। आपको जो सारी डिग्रीज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप कुछ दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं, इससे मिलता जुलता सवाल है कि मैंने एमए किया हुआ है लेट्स सपोज, तो मुझे क्या अपनी डिग्री के साथ साथ जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको भी अटेस्ट करवाना होगा, क्या ये जरूरी है? तो भैया, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जस्ट ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करवानी है, दैट्स इनफ, ठीक है। आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इनकी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, आखिरी जो डिग्री है वही काफ़ी है। ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ। अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको बोलते हैं कि यार मैट्रिक की डिग्री है उसको अटेस्ट करवा के लाओ, इंटर की डिग्री को भी अटेस्ट करवा के लाओ, और जो आपकी बेचलर की सारी डिग्रीज को आप अटेस्ट करवा के लाओ IBCC से, HEC से, मुफा, एम्बेसी, सब जगहों से, तो फिर आपको ये करवाना पड़ेगा। और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, वो आपसे आपकी फाइनल डिग्री है। देखा, आपको जो जॉब मिलती है वो आपकी जो लास्ट डिग्री है उसी की बेस पे मिलती है ना, तो वो आपकी लास्ट डिग्री है उसी की ऑथेंटिसिटी को वो चेक करना चाहते हैं, उसी की वेरिफिकेशन को वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका वैसे ही दिल करता है कि यार मैं मैट्रिक की मार्कशीट जो है उसको भी टेस्ट करवा के रख लेता हूँ, और जो इसकी ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी टेस्ट करवा लेता हूँ, इसी तरह इंटर की जो डिग्री है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी करवा देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स को यार मैं अटेस्ट करवा देता हूँ, क्या मतलब कभी ना कभी फ़ायदा तो हो ही जाएगा, काम आ ही जाएगा। तो मेरा आपको मशवरा यह है, भाइयों वाला मशवरा है, कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है ना तो आप प्लीज़ किसी गरीब को दे दें, उसका भला हो जाएगा। आपको ये सब अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पर डॉक्यूमेंट, मैं यू एम्बेसी की बात करता हूँ, पर डॉक्यूमेंट वहाँ पे $41 फी है। आपने ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करवाई, $41 का आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आप साथ एमए की डिग्री आपने टेस्ट कराई, $41 पे किया, आपने साथ बीकॉम की करवाई, तो $41 मजीद पे करना पड़ेगा। फिर आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर लें $41 से, ठीक है, तो इतने ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फाइनल डिग्री आप अटेस्ट करवा लें, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है क्या है वो भी बताता हूँ, ये लाइफ टाइम तक रहती है जो अटेस्टेशन है, ठीक है। तो आई होप कि यार आपकी ये कन्फ्यूजन आज दूर हो गई होगी। अभी भी अगर आपकी ये माइंड में कन्फ्यूजन है देन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो ये आपका अपना चैनल है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।